संत कबीर नगर लोकसभा क्षेत्र में गोरखपुर जिले के पड़ने वाले खजनी विधानसभा के सेक्टर मजिस्ट्रेट व सेक्टर पुलिस अधिकारी की बैठक जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेन और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता की अध्यक्षता में रिजर्व पुलिस लाइन के सभागार कक्ष में किया गया। बैठक में लोकसभा निर्वाचन के छठवें चरण में 12 मई जिले के खजनी विधानसभा में होने वाले चुनाव को सकुशल सम्पन्न कराने की रणनीति तैयार की गई तथा डीएम और एसएसपी द्वारा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता और जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी के विजेंद्र पांडेय ने बताया। आपकी सुविधा के लिए बनाया है, इसीलिए कौन सा सीओ पड़ता है आपको इससे पता चल जाए किस बूथ पे किस मतदान केंद्र पे। एसडीएम का नंबर लोड करना चाहे तो लोड कर लें। 6221 ऐसी आ जाती है जैसे मतदाता अपना वोट करने के लिए आया और उसने अपनी 17A मतदाता रजिस्टर में एंट्री भर दी, दस्तखत भी कर दिए, लेकिन जब वो बैलेट कंपार्टमेंट में जाता है और अपना मन बदल देता है कि वो वोट नहीं देगा, वापस हो जाएगा और वहां पर पीठासीन अधिकारी उसकी मतदाता रजिस्टर में अंकित कर देगा कि इसने वो मत देने से इनकार कर दिया। उसमें अगला मतदाता उसी नंबर पे इश्यू बैलेट पेपर पर अपना मत कास्ट कर देगा तो मशीन में वो डिस्चार्ज हो जाएगा जो मत उसने दिया है। लेकिन अगर अंदर से पहले सीयू ऑफ की जाएगी अगर देता है, इसके बाद वीवीपैट और वीयू मशीन को सीयू से डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा तो वो वोट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, वरना ये क्लोज बटन दबेगा नहीं चाहे पीठासीन अधिकारी उसके ऊपर चढ़ बैठे। मैं सीयू ऑफ के जो कंडीशन में थी फर्स्ट स्टेप में उसे ऑन कर देना है। ऑन करके जैसे ही वो वोट कैंसिल हो जाएगा क्लोज बटन दबाने के बाद फिर सीयू ऑफ कर देना है और मशीन जमा करते समय वीवीपैट की बैटरी निकाल लेनी है। अगर जी जैसा कि आपने देखा कि संत कबीर नगर लोकसभा क्षेत्र की एक विधानसभा गोरखपुर के एडमिनिस्ट्रेशन के पास आती है, तो आज डीएम साहब और मैंने उसकी तैयारियों के सिलसिले में सेक्टर मजिस्ट्रेट्स, सेक्टर पुलिस अफसर और जोनल मजिस्ट्रेट्स और जोनल पुलिस ऑफिसर्स की कंबाइंड मीटिंग ली यहाँ पुलिस लाइन के अंदर और उन्हें डिटेल पिछले 2-3 घंटे से हम इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, उन्हें सभी चीज़ें बताई गई हैं कैसे वो अपने पोलिंग सेंटर्स और पोलिंग बूथ्स पर कमांड कंट्रोल स्थापित रखेंगे और स्वतंत्र निष्पक्ष और भयरहित मतदान सुनिश्चित करेंगे। सर कितने बूथ हैं वहाँ पर? तकरीबन 288 के आसपास मतदान केंद्र हैं और किसी मतदान केंद्र पर एक है, किसी पर दो हैं, तो इसके लिए हमने पूरी व्यवस्था कर ली है। बाहर से फोर्सेस का आगमन हो चुका है, पैरामिलिट्री फोर्स, सीएपीएफ और एडिशनल होम गार्ड्स, पुलिस, भारी मात्रा में बंदोबस्त है, कोई ऐसी डरने की कोई बात नहीं, पर्याप्त संख्या में पुलिस फोर्स उपलब्ध है और हम इसके लिए कटिबद्ध हैं कि चुनाव एकदम स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयरहित हो। 12 तारीख को खजनी लोक विधानसभा क्षेत्र यहाँ गोरखपुर में पड़ता है, खासतौर पर उसका सांसदीय क्षेत्र तो संत कबीर नगर का है, उसी का एक विधानसभा क्षेत्र गोरखपुर पड़ता है, उसी के लिए 12 तारीख को चुनाव है। उसका सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट का हम लोग बुला रखे थे, आज सुबह डिटेल में उन लोग इंस्ट्रक्शन दिए थे। टोटल 436 बूथ हैं और तकरीबन 370 मतदाता वोटर लोग हैं, उसी के लिए हम व्यवस्था किए हैं। 436 बूथ में कैसे व्यवस्था है, फिर हम लोग 33 जो सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाएं, 3 जोनल मजिस्ट्रेट लगाएं, 1 सुपर जोनल मजिस्ट्रेट लगाएं, उसके अलावा पर्याप्त संख्या में जो हम लोग ईवीएम और वीवीपैट मशीन दिए हैं, फोर्स भी पर्याप्त मात्रा में मिला है हम लोग का, सीआरपीएफ सीपीएम फोर्स मिला है, उसी के भी हम लोग डिप्लाई कर रहे हैं। उसको पूरा डिटेल में आज सुबह सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर ऑफिसर के साथ सुबह मीटिंग किए थे, उसके बाद उन लोगों को निर्देश दिए ताकि अंतिम जो 72 घंटे होता है, इलेक्शन कमीशन का बहुत संवेदनशील समय होता है, उसी का अंदर जो कमीशन ने दिया हुआ निर्देश को पालन करते हुए हम लोग चुनाव शांतिपूर्वक कराएंगे।